नमस्कार इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बलिया, अरुण कुमार सिंह जिला महामंत्री ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अरुण कुमार सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन और कहा कि हमारी मांग नहीं पूरी होगी 24 मार्च के बाद धरना प्रदर्शन अन्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने एक पर्चे बता दीजिए। मैं अरुण कुमार सिंह जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया। यह क्या मामला है? आप जिला या विद्यालय निरीक्षक में आप पत्र दिए, क्या मामला है? हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का नई पेंशन स्कीम से आच्छादित जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनका एनपीएस का पैसा जो सरकार को 14% देना है 3,50,00,000 रुपए का ग्रांट जनपद में आ चुका है, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की लापरवाही के कारण हमारे साथियों के एनपीएस के प्राण नंबर खाते में नहीं जा रहा है। मात्र एक महीने का मार्च 2019 का के पहले का गया है, जबकि स्पष्ट आदेश है, वित्त नियंत्रक की चिट्ठी आई है कि जितने नई पेंशन स्कीम से आच्छादित शिक्षक और कर्मचारी हैं उनका पैसा उनकी कटौती के बाद 14% जोड़ करके और जितना ब्याज बनता है उसको उनके प्राण नंबर में जमा किया जाए, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने आज तक हमारे कर्मचारियों और शिक्षकों के खाते में पैसा नहीं भेजा, जिसके कारण हम लोग हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलने आया था। जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा को संबोधित हमने एक पत्र दिया है जिसमें मांग किया है कि अगर 31 मार्च तक उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा तो उसके बाद हम लोग निर्णायक संघर्ष के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी जी, अगर इसके बावजूद भी आपके सारे प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, आप क्या करेंगे? 24 मार्च को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री चेत नारायण सिंह बलिया आ रहे हैं, उस दिन निर्णय लिया जाएगा कि अगर 31 मार्च तक ये काम नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग संघर्ष निर्णायक संघर्ष में क्या करेंगे, जिसमें परिमूल्यांकन बहिष्कार से लेकर धरना प्रदर्शन आमरण अनशन तक शामिल होगा। यह 24 मार्च को फाइनल हो जाएगा प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।